हेलो स्टूडेंट, रामकन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हमने जो वीडियो पहला अपलोड किया था पार्ट फर्स्ट वितत भिन्न से, उसमें हमने टोटल 11 क्वेश्चन कराए थे और उसमें जो क्वेश्चन कराए थे सारे के सारे प्लस वाले थे। अब जो क्वेश्चन सेकंड पार्ट देखेंगे इसमें माइनस वाले और फिर हम इसमें प्लस और माइनस दोनों हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पर सबसे पहले बिल्कुल छोटा क्वेश्चन लेंगे, छोटे से शुरुआत करेंगे और पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। हमारा पढ़ाने का तरीका है कॉन्सेप्ट कराएंगे, फिर सारे क्वेश्चन आप खुद करने लगोगे। तो देखिए जरा 10 के बाद 11 के बाद देखो 12 नंबर का क्वेश्चन, 1/(1 − 1/2) बिल्कुल छोटे क्वेश्चन लिया है, बिल्कुल आराम से करेंगे सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले हम लिखना सीखेंगे। सबसे पहले लिखा जाएगा यहाँ पर 1, तो हमने लिख दिया ये 1, फिर आएगा 2, यहाँ पर 2। अभी जो पहला पार्ट क्वेश्चन में देखा था उसमें सारे प्लस थे, तो यहाँ पर प्लस हुआ करता तो हम पर प्लस 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर माइनस है तो -1 लिखेंगे। ठीक है, अब ऊपर क्या करना है इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। वो 2 का गुणा 1 में करना है, 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 का गुणा -1 में नहीं करना है। माइनस का अर्थ तो ये बताता है कि आने वाले नंबर को घटाना है। यदि प्लस होता तो प्लस का अर्थ ये होता कि आगे वाले नंबर को जोड़ना है। 2 का गुणा 1 में करना है, 2 का गुणा -1 में नहीं करना है, 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 × 1 = 2 और 2 में से हम माइनस लगा हुआ है तो 1 घटाएंगे, जब 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1। अब इसमें क्या होता है, आगे वाले नंबर को हम क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे यानी 1 और 2 आएगा नीचे, लेकिन 1/2 आया है वो भी मान मात्र इतने का आया है, ऊपर लगा हुआ 1 तो हम लगा देंगे 1, यहाँ पर पहुंच जाएगा ऊपर 2 तो 2/1 इसका 1 आएगा, यानी राइट आंसर इसका कितना आ जाएगा 2 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमने छोटा लिया है, बहुत छोटा। देखिए 1/1 अगर 1 में से हाफ जाएगा या 1/2 जाएगा तो 1/2 ही बचेगा। ऐसे भी आप बेसिक सॉल्व कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ा देंगे। पहले कॉन्सेप्ट सीखो। 12 के बाद देखो 13 नंबर का क्वेश्चन, 1/(1 − 1/3)। अब इसको देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर 1, तो हमने लिख दिया ये 1, फिर आएगा ये 3, तो हमने लिख लिया 3। अब यहाँ पर क्या लगा है -1, तो ये आएगा -1। ये वाला लिखा है तो यहाँ पर आएगा -1। फर्स्ट वीडियो हमने देखा था उसमें आपका प्लस होता तो हम प्लस लिखते थे, अब इसमें माइनस लगा हुआ है तो -1 − 1 लिखेंगे। ठीक है, करने का तरीका वही है, ऊपर गुणा करेंगे, 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 × 3 और माइनस लगा हुआ है तो हम इसको आगे वाले नंबर को घटाएंगे। फिर से समझिए, 3 का गुणा -1 में नहीं करना है, 3 का गुणा केवल 1 में करना है और माइनस लगा है, माइनस का अर्थ होता आगे वाले नंबर को घटाना है। तो 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 × 3 माइनस लगा तो घटा देंगे 1, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2। अब समझे 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 × 2 2 में से 3 जाएगा तो 2 में से 3 जाएगा तो बचेगा -1। ऊपर गुणा करना है आगे वाले नंबर को घटाना है, 2 में से 3 जाएगा तो बचेगा -1। इसको जो फाइनल लिखा जाएगा वो आएगा -1/2, लेकिन जो -1/2 आया है वो अभी मान मात्र इतने का आया है, ऊपर लगा हुआ 1 तो हम 1 लगा देंगे, ये पलट जाएगा तो इसका आंसर आएगा 2/1, यानी राइट आंसर हो जाएगा -2। देखें जरा, अब देखते क्वेश्चन और लेते हैं 13 के बाद देखो 14 नंबर का क्वेश्चन, 1/(1 − 1/1) − 1/(1 − 1/4). अब देखिए जरा क्वेश्चन पर, इसको आराम से अच्छे से समझेंगे जरा। हर टाइप के, अभी हमने फर्स्ट वीडियो में कराया था फर्स्ट पार्ट में सारे प्लस, इसमें क्या है माइनस वाले, फिर हम प्लस और माइनस दोनों कराएंगे, फिर जितने टाइप के क्वेश्चन है सारे टाइप के करना सीखेंगे। देखो जरा बनता कैसा है, सबसे पहले आएगा 1। आप विश्वास रखिए इतने अच्छे से बिल्कुल आराम तरीके से आसानी से समझाएंगे, बेस्ट कंटेंट लाएंगे आपके लिए। देखो जरा 1, फिर आएगा यहाँ पर 4, ये लिखा 1 4, यहाँ पर लिखा -1, फिर ये लिखा है -1, फिर ये लगा है -1, फिर ये लिखा है -1। तो देखे जरा
ऊपर क्या करेंगे गुणा, चार का गुणा एक में करना है, माइनस एक में नहीं करना है, चार का गुणा एक में करेंगे, चार एक चार, अब चार में से एक जाएगा तो बचेगा तीन, अब तीन का गुणा एक में करेंगे और तीन में से हम चार को घटाएंगे, क्यों घटाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है, तीन एकम तीन, तीन में से चार जाएगा तो माइनस कर एक। अब जरा यहाँ पर थोड़ा समझने की बात हो, इस माइनस एक का गुणा एक में करना है, माइनस एक का गुणा माइनस एक में नहीं करना है, माइनस एक का गुणा एक में करेंगे तो माइनस एक आएगा, माइनस एक में से माइनस एक में से माइनस तीन को घटाना है, ऊपर गुणा करना है, माइनस एक में से माइनस तीन को घटाना है तो ये आएगा माइनस का चार, यहाँ पर आएगा माइनस का चार। आप समझे जरा, माइनस चार का गुणा एक में करेंगे, माइनस चार में से इस माइनस एक को घटाना है तो माइनस एक को घटाना है, तो देखो जरा माइनस चार में से अब जो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा तो बचेगा माइनस का थ्री, तो यहां पर आएगा थ्री, हम इसको जब फाइनल लिखेंगे तो थ्री अपॉन माइनस का फोर। अब जो थ्री अपॉन माइनस का फोर आया है वो आया है मान इतने का सॉल्व, तो हम क्या करेंगे ऊपर लगा देंगे वन, तो ये पलट जाएगा तो माइनस का फोर अपॉन थ्री, इसका जो राइट आंसर आएगा माइनस का फोर अपॉन थ्री। अब देखा जरा यहाँ पर यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर क्यों देखिए समझिए जरा, यहाँ पर माइनस थ्री तो यहाँ पर माइनस थ्री आएगा, तो माइनस थ्री अपॉन माइनस का फोर, तो माइनस फोर अपॉन माइनस थ्री ये कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर आएगा बेटा फोर अपॉन थ्री, ठीक है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखे जरा चौदह के बाद देखो पंद्रह नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर ले रहे हैं पंद्रह नंबर का क्वेश्चन, उसको हम बनना हम सीखते हैं, वन अपॉन वन माइनस के, वन अपॉन वन माइनस के, वन अपॉन वन माइनस के, थ्री अपॉन फोर। अब देखें जरा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आएगा थ्री, ये थ्री लिख दिया, फिर आएगा फोर, ये फोर लिख दिया, यहाँ पर लिखा है माइनस वन तो माइनस वन आएगा, ये वाला माइनस फिर से एक वन आएगा, ये वाला माइनस का वन। अभी जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो अभी मात्र इतना सॉल्व कर रहे हैं, समझना। देखिए अब इसको क्या करना है, चार का गुणा एक में करेंगे तो चार एकम चार, और इस तीन को घटाएंगे, चार का गुणा एक में करेंगे, चार एकम चार का गुणा माइनस एक में नहीं करना है, चार का गुणा एक में करेंगे चार एकम चार, चार में से तीन जाएगा तो बचेगा एक। अब देखें एक का गुणा हम एक में करेंगे तो आएगा एक, एक में से तीन जाएगा तो बचेगा माइनस का तीन, क्या बचेगा माइनस का तीन, एक में से चार जाएगा बचेगा माइनस का तीन, माइनस तीन का गुणा ऊपर गुणा करना है, इस वाले नंबर को घटाना है, ऊपर गुणा करना आगे वाले नंबर को घटाना है, यदि प्लस माइनस लगा हुआ है तो माइनस एक तीन का गुणा एक में करेंगे तो माइनस तीन, और माइनस तीन में जब माइनस वन घटाएंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस का आएगा फोर, तो ये आएगा माइनस का फोर, जब इसको हम फाइनल लिखा जाएगा तो माइनस का फोर अपॉन माइनस का थ्री, ये कट जाएगा, लेकिन ऊपर लगा हुआ है वन तो ऊपर लगा देंगे वन, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा तो थ्री अपॉन फोर, इसका राइट आंसर आएगा थ्री अपॉन फोर। अब देखें अभी जो हमने पंद्रह तक क्वेश्चन किए हैं इन सभी में अभी वन वन लगा हुआ है, अब हम यहाँ पर जो वन वन की जगह हम नंबर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, हमने बोला था कि बिल्कुल बेसिक से हर टाइप के हर लेवल के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो अभी हमने 11 क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो में कराए थे, इस सेकंड वीडियो में 12 से 15 क्वेश्चन, अब इसके आगे देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन, जो 16 नंबर का क्वेश्चन होंगे अब वो अभी हम यहाँ पर नंबर चेंज करेंगे, ठीक है देखते हैं। अब देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन, 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, वन अपॉन फोर माइनस का, वन अपॉन टू माइनस का, वन अपॉन सेवन, ठीक है, वन अपॉन फोर माइनस का, वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन सेवन, तो इसको देखो लिखेंगे कैसे, सबसे पहले आएगा ये वन, फिर आएगा ये सेवन, फिर आएगा यहाँ पर माइनस टू लगा, अगर वहां पर वन होता था तो हम माइनस वन लिखते थे, यहाँ पर माइनस टू है तो हमने लिखा माइनस टू, फिर आएगा माइनस का फोर। अब देखिए जरा सात का गुणा दो में करेंगे
तो 7 × 2 = 14। अब 14 में से माइनस लगा तो 1 घटाएंगे तो बचेगा 13। 13 का गुणा किसमें करेंगे हम, 4 में करेंगे। ऊपर गुणा करते हैं, अंग वाले नंबर को घटाते हैं, 13 × 4 = 52। 52 में से 7 जाएगा तो बचेगा कितना आपका, 37, 45। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 45। 52 में से आप 7 घटाओगे तो बचेगा कितना, 45। जब इसको हम फाइनल लिखेंगे 45/13। ठीक है, आपका जो मान आया वो भी इतने का सॉल्व हुआ है, ऊपर लगा हुआ है 1 तो हम लगा देंगे 1, तो ये पलट जाएगा तो ये आएगा 13/45। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखे जरा 16 के बाद 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन देखे जरा, ये लिखा है 1/3 माइनस का 1/2 माइनस का 1/7। हम क्वेश्चन बिल्कुल टाइप बाय लेवल वाइज हर तरह के क्वेश्चन करें आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले लिखा 1, फिर लिखा ये 7, और लिखा -2, तो ये लिखा -2, फिर यहाँ पर लिखा -3, तो यहाँ लिख देंगे -3। अभी हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो भी इतना सॉल्व कर रहे हैं, तो 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 7 × 2 = 14। 14 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 13। अब देखिए जरा 13 का गुणा 3 में करेंगे तो 13 × 3 = 39। 39 में से 7 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 32। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा 32 ऊपर आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 13 नीचे आएगा। तो जो 32/13 आया है वो क्या आया है, अभी इतने का सॉल्व आया, ऊपर लगा देंगे 1 तो ये पलट जाएगा, तो आंसर आएगा 13/32। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जरा 1/2 − 1/3 − 1/4 − 2/3। इस क्वेश्चन को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सारे टॉपिक के हर टॉपिक को हम ऐसे क्लियर कराएंगे, चैप्टर वाइज कराएंगे, बस आप कमेंट्स करके बताइए आपका वीडियो कैसा लगा। तो देखें यहाँ लिखा जाएगा 2, फिर आएगा यहाँ पर 3, फिर आएगा यहाँ पर −4, फिर आएगा यहाँ पर −3, फिर आएगा यहाँ पर −2। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, 3 × 12, 12 क्योंकि माइनस लगाए तो इसको 2 घटाएंगे, 12 में से 2 जाएगा बचेगा कितना, 10। 10 का गुणा 3 में करेंगे तो 10 × 3 = 30। 30 में से 3 जाएगा बचेगा कितना, 27। 27 × 2 = 54। 54 में से 10 जाएगा बचेगा क्या कितना, 44। जब इसको हम फाइनल लिखा जाएगा तो 44 ऊपर आएगा, 27 क्या आएगा नीचे। लेकिन जो अभी जो मान आया 44/27 वो अभी अपना इतना मान आया हुआ है, ऊपर लगा हुआ है 1 तो हम 1 लगा देंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये आएगा राइट 27/44। ठीक है, अभी हमने 18 क्वेश्चन किए, फर्स्ट वीडियो में हमने 11 क्वेश्चन किए थे, सेकंड वीडियो में हमने 18 तक क्वेश्चन किए। हमने सारे प्लस वाले करा दिए, सारे माइनस वाले करा दिए नंबर चेंज। अब जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो प्लस और माइनस कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं जरा अगले वीडियो में।